सीपैक कारोबारी मुशावरती काउंसिल कायम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत सीपैक मंसूबों से मुतालिक इजलास में फैसला, सनअती तरक्की और गवादर की तरक्की के मंसूबों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की सीपैक मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत, कहा सीपैक मंसूबों की जल्द तकमील पाकिस्तान के मफाद में है। शहबाज शरीफ का मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट पर एक बार फिर ऐवान की कमेटी बनाने का मुतालबा। कौमी असेंबली में खिताब, कहा वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर रज़ाक दाऊद से कोई ज़ाती मसला नहीं, लेकिन आवाम का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ये सबको मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट आमद पर गुफ्तगू, कहा देर आयत दुरुस्त आयत, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालना खुशाइंद है, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं। सहाफी के सवाल का जवाब घोल कर गए। I Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज। 21 साल से मुनसफी के फराइज सर अंजाम देने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुनसफ आला बन गए। अलफबरदारी की तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। 3 मुकदमात की समाअत के बाद अदालती कार्रवाई खत्म कर दी। जजेस तकरीरी जुडिशियल कमीशन की भी तश्कील नौ कर दी गई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा दोनों बॉडीज के सरबराह होंगे। जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस शेख अजमत सईद रुकन होंगे। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस उमर अता बंदियाल मेंबरान होंगे। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। पावर सेक्टर और दीगर इदारों के वाजिबात 362 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में मुश्किलात का सामना।